31 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाने की बात कही। पीएम मोदी के ध्यान से विपक्ष जो है वो परेशान नजर आता है। चुनाव प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी ध्यान मग्न हो जाएंगे और अब पीएम मोदी की साधना पर जोरदार सियासत इस वक्त शुरू हो चुकी है। शाम को चुनाव प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना शुरू कर देंगे, मगर उनका ध्यान कार्यक्रम शुरू होने से पहले उस पर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तो दो टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। ममता बनर्जी ने तो बस शिकायत की चेतावनी दी, मगर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर ही डाली। 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर पीएम के कार्यक्रम का मीडिया में प्रसारण होता है तो उससे लोग प्रभावित होंगे। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है मैं समझती हूँ, तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा, बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहेंगे। मगर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को उनकी हार का डर बता दिया। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राही माम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। चुनावी भाषणों से पहले ही माहौल गरमाया हुआ है और पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर बीजेपी और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री